मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मलाड मालवनी प्लॉटर न्यू कलेक्टर कंपाउंड, जहाँ पर बीएमसी का हॉस्पिटल को रीडेवलपमेंट के लिए डेमोलिशन किया गया, जिसमें कई सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, ये बात सामने आई है, जिसकी सूचना बीएमसी के अधिकारियों को दी गई, लेकिन वो किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे। बीएमसी में कई बार उनकी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन बीएमसी हर काम में नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा उन लैंड माफियों को होता है जो कि इस तरीके के गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। वो वहां पर जो बिल्डिंग को डेमोलिशन किया गया, उस राबिट को उठाकर अपने प्राइवेट लैंड पर ले जाते हैं। आमतौर पर वो ज्यादातर अंबुजवाड़ी, खारोड़ी और राठौड़ी जैसी जगहों पर ले जाकर उसे डंपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके के गैर कानूनी कामों की वजह से बीएमसी को करोड़ों का नुकसान होता है। आमतौर पर इस तरीके का काम करने के लिए सभी बीएमसी अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ती है, सिग्नेचर लेनी पड़ती है, बाकायदा बीएमसी में फीस अदा करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है, तब वो इस तरीके का रैबिट को ले सकते हैं। लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से इस रैबिट को लेकर और डंपिंग के काम में यूज कर रहे हैं, और बीएमसी के अधिकारी भी इसमें कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और बीएमसी के जो अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बीएमसी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस तरीके के कामों में बीएमसी को करोड़ों का नुकसान होता है, और अगर आगे यही चलता रहा तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमारी बीएमसी से ये विनती है कि इस तरीके के कामों पर रोक लगाई जाए और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। 3 गाड़ियों को पकड़ा गया है इस तरीके के गैर कानूनी काम करते हुए पुलिस ने, और आप बाकायदा वीडियो में देख सकते हैं कि गाड़ियों के नंबर तक दिखाए जा रहे हैं, जहां पर ये काम चल रहा है वो जगह दिखाई जा रही है आपको, बाकायदा आप वीडियो में देख सकते हो। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666477110। धन्यवाद।